आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। हाई कोर्ट ने एडीजी अनुराग गुप्ता के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के मामले में सरकार से मांगा जवाब। दूसरी खबर, प्रोन्नति मामले में सीएस और कार्मिक सचिव के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा, कमेटी ने स्पीकर को सौंपी रिपोर्ट। तीसरी खबर, आक्रोशित भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने की हवाई फायरिंग, सड़क जाम कर रहे थे लोग। चौथी खबर, सरायकेला में 10 लाख के इनामी नक्सली महाराज प्रमाणिक के दस्ते के साथ पुलिस की मुठभेड़। पांचवी खबर, रांची में कचहरी चौक से कांटा टोली तक बनेगी 4 लेन सड़क। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। झारखंड हाईकोर्ट में राज्यसभा चुनाव मामले से जुड़े एडीजी अनुराग गुप्ता के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। अनुराग गुप्ता की ओर से दाखिल याचिका में राज्यसभा से जुड़े मामले में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान उनकी ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले में प्राथमिकी बहुत देर से दर्ज की गई है और उन्हें निलंबित हुए लगभग 1 साल होने वाले हैं। उनकी ओर से अदालत से अंतरिम राहत की मांग की गई है। अदालत ने कहा यह जमानतर मामला है और वादी पुलिस बेल पर है, ऐसे में अंतरिम राहत की कोई जरूरत नहीं है। अब इस मामले में 4 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। बता दें कि राज्यसभा चुनाव 2016 में हॉर्स ट्रेडिंग मामले में जगन्नाथपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी के आरोपित एडीजी अनुराग गुप्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने जगन्नाथपुर थाने में अपने ऊपर दर्ज प्राथमिकी के साथ साथ सरकार के निलंबन से संबंधित आदेश को भी चुनौती दी है। उन्होंने अपने ही खिलाफ सीबीआई से जांच कराने का आग्रह किया है। एडीजी अनुराग गुप्ता के आवेदन के आधार पर हाईकोर्ट ने सरकार को शपथ पत्र दायर करने का आदेश दिया था। शपथ पत्र के माध्यम से सरकार को केस से संबंधित सभी तथ्य एवं केस की वर्तमान स्थिति से कोर्ट को अवगत कराना है। बताते चलें कि एडीजी अनुराग गुप्ता बीते 14 फरवरी 2020 से निलंबित चल रहे हैं, तब वे सीआईडी के एडीजी थे। उनके खिलाफ राज्यसभा चुनाव 2016 में भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने के लिए बड़कागांव की तत्कालीन विधायक निर्मला देवी को लालच देने और उनके पति पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को धमकाने का आरोप है। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। झारखंड के मुख्य सचिव और कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव के खिलाफ SC ST अत्याचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। विधानसभा समिति ने सरकार से कार्रवाई का आग्रह किया है। समिति का आरोप है कि दोनों अधिकारियों ने गुमराह किया है। दोनों अधिकारियों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का आरोप है। बुधवार को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारियों की प्रोन्नति मामले में गठित विधानसभा की विशेष कमेटी ने अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दी है। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो को विधायक बंधु तिर्की और दीपक बिरुवा ने रिपोर्ट सौंपी। विधानसभा समिति ने कहा कि प्रोन्नति के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश का पत्र जारी करने के बाद सभी प्रकार की प्रोन्नति पर लगी रोक को हटाई जा सकती है। कहा कि सरकार SC और ST अधिकारियों को प्रोन्नति से वंचित कर सामान्य वर्ग को दी गई प्रोन्नति के तमाम फैसले वापस ले। ST SC बिरादरी के लोगों को भूत लक्ष्य प्रभाव से प्रोन्नति का लाभ मिले। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। हटरगंज थाना क्षेत्र स्थित पांडेपुरा प्रतापपुर रोड पर बुधवार को सड़क हादसे में एक अधेड़ की मौत हो गई। हादसा हाईवा की टक्कर से हुआ। लोगों ने हाईवा ड्राइवर को पकड़ लिया। इसी दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और ड्राइवर को अपनी हिरासत में ले लिया, पर लोग ड्राइवर को भीड़ के हवाले करने की मांग करने लगे। भीड़ ड्राइवर की पिटाई करने पर तुली थी। इसके बाद पुलिस ने 4 चक्र हवाई फायरिंग कर भीड़ को तितर बितर किया और ड्राइवर को थाना ले गई। इधर उग्र भीड़ ने मुआवजे की मांग पर करीब 3 घंटे तक रोड जाम कर दिया। मृतक की पहचान पांडेपुरा गांव निवासी अरविंद दास के रूप में की गई है। अरविंद पैदल ही कहीं जा रहे थे और इसी दौरान पीछे से आ रहे हाईवा ने उसे कुचल दिया। अरविंद के कमर के ऊपर का हिस्सा पूरी तरह से कुचल गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ड्राइवर हाईवा लेकर भागने की तैयारी में था कि लोगों ने उसे पकड़ लिया। इसी बीच पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और लोगों के ना चाहते हुए भी ड्राइवर को अपने कब्जे में कर लिया। इधर हादसे से आक्रोशित लोगों ने पांडेपुरा प्रतापपुर सड़क को जाम कर दिया। लोगों की मांग थी कि यहां नो एंट्री बनाई जाए, साथ ही मृतक के परिजनों को मुआवजा दिया जाए। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। पुलिस और माओवादी नक्सली महाराज प्रमाणिक के दस्ते के बीच बुधवार को मुठभेड़ हो गई। बताया जा रहा है कि दस्ते के साथ हार्डकोर नक्सली अनिल भी मौजूद था। यह मुठभेड़ सरायकेला के कुचाई थाना के रोलाहतू इलाके में हुई है। दोनों ओर से हुई गोलीबारी में पुलिस को भारी पड़ता देख माओवादी घने जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। माओवादियों की धरपकड़ के लिए पुलिस जंगलों में सर्च अभियान चला रही है। मुठभेड़ की पुष्टि कोल्हान DIG राजीव रंजन सिंह ने की। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 10 लाख इनामी हार्डकोर नक्सली महाराज प्रमाणी का दस्ता कुचाई थाना के रोलाहातू इलाके में घूम रहा है। इसके बाद पुलिस द्वारा सर्च अभियान चलाया गया। इसी दौरान पुलिस को देखकर माओवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चली।
पुलिस को भारी पड़ता देख माओवादी भाग निकले। अब नजर डालते हैं आज की पांचवी प्रमुख खबर पर। राजधानी रांची को जाम से मुक्ति दिलाने एवं सुगम यातायात के लिए सर्कुलर रोड पर कचहरी चौक से कांटाटोली चौक तक फोर लेन सड़क बनाने का निर्णय लिया गया है। नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस सड़क को फोर लेन बनाने की सहमति दे दी है। सचिव विनय कुमार चौबे ने अधिकारियों को सड़क के चौड़ीकरण की प्रक्रिया जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है। सड़क चौड़ीकरण का DPR बनाने तथा परामर्शी बहाल करने के लिए जुड़को ने टेंडर निकाल दिया है। सड़क फोर लेन बनाने एवं भूमि अधिग्रहण करने में लगभग 70 करोड़ रुपए व्यय का अनुमान प्राथमिक तौर पर लगाया गया है। DPR बनने के बाद वास्तविक अनुमानित लागत का आकलन किया जाएगा। कचहरी चौक से कांटाटोली चौक तक सड़क की कुल लंबाई 2.72 किलोमीटर है। हालांकि यह सड़क अभी फोर लेन है लेकिन चौड़ाई कम है, इसलिए अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। सड़क को फोर लेन बनाने के क्रम में पूरे मार्ग पर डिवाइडर और पक्के नाले का भी निर्माण कराया जाएगा। चौड़ीकरण के क्रम में भूमि का भी अधिग्रहण किया जा सकता है। सड़क को फोर लेन बनाने, बिजली के खंभों को और तारों को इधर उधर करना, डिवाइडर तथा नाले के निर्माण में लगभग 24 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।